मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भले ही विकास का दावा करके प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि बीजेपी का कार्यकर्ता इस हद तक नाराज है कि वह खुद इस यात्रा का विरोध करने विधायक पर स्याही फेंक अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। हालांकि उसकी यह कोशिश नाकाम रही, विधायक समर्थकों ने उसे पकड़ लिया और मंडल अध्यक्ष की कुर्ती पर वह स्याही गिर गई। इस नाराज कार्यकर्ता को विधायक समर्थकों ने पुलिस के हवाले कर दिया। सागर विधायक शैलेन जैन इन दिनों शहर में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। आज यह यात्रा सिनेचरीवाड पहुंची थी। कई जगह विधायकों को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। सागर में नगर विधायक शैलेन जैन की विकास यात्रा के दौरान बीजेपी के पूर्व मंडल मीडिया प्रभारी राजेश ने स्याही फेंकी, जो विधायक पर न गिरकर मंडल अध्यक्ष बंटी शर्मा पर गिरी। गोपालगंज पुलिस ने राजेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि विधायक इस घटना से अनजान बने रहे। मंडल अध्यक्ष है बंटी, ना बंटी शर्मा की परचाई ना, ना आपको जानकारी नहीं भाई? मुझे कोई जानकारी राजेश नगर विधायक कैसा हो। चर्चा यह भी है कि दोनों पदाधिकारी बंटी शर्मा और राजेश तिवारी के बीच पद को लेकर अनबन थी, इसी कारण यह घटना घटी। कुछ कहा था तो नहीं, एक हमारा पूर्व पदाधिकारी था राजेश तिवारी, जिसको हमने पद से हटा दिया था, उसने हमें जानकारी में नहीं आया, पीछे से उसने स्याही फेंक दी। हमने पुलिस से शिकायत की, उसको पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। क्या विधायक जी पर फेंकने आया था? आपके पर फेंकने नहीं, नहीं नहीं, ये उसको पद से हटाने के बाद व्यक्तिगत दुश्मन है। ये बेकार कोई राजनीतिक विकास यात्रा या राजनीतिक स्पष्ट नहीं हुआ है, ये व्यक्तिगत दुश्मन हुआ। आपको क्या लगता है कि ये विकास यात्रा में हुआ है, मतलब विधायक का विरोध? नहीं नहीं, कोई विधायक का कोई विरोध नहीं है। हमारे सागर नगर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, वो एक आत्म अपराधी था, उसकी थानों में फोटो लगी है, वो उसमें अवैध रूप से शराब बेचता है, महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। पदाधिकारी बना दिया गया था, लेकिन जैसे ही उसकी इन सब बातों की जानकारी मिली, उसको हमने तत्काल पद से हटाने की कार्रवाई की। ये किस पद पे थे? ये मीडिया प्रभारी बनाया था हमने मंडल। पिछले पाँच दिनों में विधायक की कार्य प्रणाली को लेकर यह दूसरी घटना है। इस घटना के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। वहीं विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब सड़क पर आने लगा है, जो भाजपा और विधायक दोनों की सेहत के लिए नुकसानदायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।